डियर लर्नर्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचर अपनी बनाई किस चीज पर सबसे ज्यादा गर्व करता होगा, तो आप में से मोस्टली लोग बोलेंगे ह्यूमंस। बट मैं बोलूंगा नहीं, ह्यूमंस नहीं, ह्यूमंस तो नेचर का बनाया थर्ड सबसे बेस्ट क्रिएशन है। पहला क्रिएशन जिस पर नेचर सबसे ज्यादा प्राउड करता होगा वो है चाइना और भारत के बीच बनाया हुआ हिमालय, और दूसरा चाइना और अमेरिका के बीच मौजूद पैसिफिक ओशन। क्यों सर, ये कौन सी बात होती है? क्योंकि अगर नेचर ने ये दो चीजें ना बनाई होती तो पिछले 70 सालों की जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये तीनों देश आपस में लड़कर आधे से ज्यादा ह्यूमन सिविलाइजेशन को एंड कर चुके होते। आई नो मैंने ये स्टेटमेंट थोड़ा एग्जेजरेट कर दिया है, बट दोस्तों आपको अंदाजा है कि आज वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ हिमालय और पैसिफिक ओशन की सही पोजीशन की वजह से कितना शांत और स्टेबल है। अगर हिमालय और पैसिफिक ओशन ना होता तो चाइना यूएस और इंडिया चाइना के बीच अब तक कितनी जंगें हो चुकी होती हमें इसका अंदाजा भी नहीं है। दोस्तों ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड हमारी ये सीरीज जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड के पार्ट वन में हमने देखा कि कैसे ज्योग्राफी की वजह से किसी कंट्री का फेट डिसाइड होता है। वो देश कितना शांत स्वभाव का होगा या कितना गुस्सैल होगा ये ज्योग्राफी तय करती है। कैसे किसी देश की पॉलिसीज और वॉर टैक्टिक्स ज्योग्राफी पर डिपेंड करते हैं। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कि कैसे चाइना सुपर पावर होने के बाद भी अपनी ज्योग्राफी का प्रिजनर बना हुआ है। कैसे चाइना जो नेचर में इतना एग्रेसिव है वो ज्योग्राफी की वजह से अब तक शांत हुआ पड़ा है, और आखिर कैसे चाइना की ज्योग्राफी उसके लिए वरदान के साथ अभिशाप भी साबित हुई है। दोस्तों इंडिया चाइना और जियोपॉलिटिक्स पर आपने यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियोस देखे होंगे, बट इस वीडियो में मैं बाकी वीडियो से अलग आपको ज्योग्राफी के लेंसेस से जियोपॉलिटिक्स को समझाने की कोशिश करूंगा। आप एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी पहली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, और आप प्लीज अशोर्ड रहिएगा कि मैं आगे भी इस तरीके के थॉट प्रोवोकिंग हाई क्वालिटी वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर लाता रहूंगा। तो आगे बढ़ने के क्रम में सबसे पहले हम चाइना की ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देख लेते हैं। चाइना वर्ल्ड का सेकंड सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है। इसके नॉर्थ में रशिया, ईस्ट में पैसिफिक ओशन, साउथ में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और वेस्ट में सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। जिस तरीके से इजिप्ट के लिए नाइल रिवर लाइफलाइन का काम करती है, ठीक उसी तरीके से येलो रिवर चाइना की लाइफलाइन है। इसे चाइना की मदर रिवर भी कहा जाता है। येलो रिवर द्वारा बनाए गए मैदान की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि यहां साल में दो बार धान, सोयाबीन और वीट जैसे एसेंशियल क्रॉप्स भारी मात्रा में उगाए जाते हैं। चाइना की इतनी बड़ी पॉपुलेशन के पीछे कहीं ना कहीं यही रीजन है, और इसी वजह से भी चाइना की मोस्टली पॉपुलेशन इसके ईस्ट साइड यानी प्लेन्स की तरफ येलो रिवर द्वारा बनाए गए मैदानों में रहती है। अब रशिया की तरह चाइना की ज्योग्राफी उसके लिए वरदान के साथ अभिशाप भी है। वरदान की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि कैसे आखिर चाइना इतना पावरफुल कंट्री होने के बाद अपनी ही ज्योग्राफी का प्रिजनर बना हुआ है, और चाइना के इतने वॉयलेंट होने के पीछे उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर कैसे काम करते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि कैसे नाइल रिवर इजिप्ट के लिए लाइफलाइन का रोल प्ले करती है, वैसे रोल येलो रिवर चाइना के लिए भी प्ले करती है। वो इसलिए क्योंकि चाइना के पास अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन की जरूरत के हिसाब से फ्रेश वाटर सोर्सेज है ही नहीं। चाइना दुनिया में सबसे कम फ्रेश वाटर सोर्सेज वाले देशों में से एक है। ये अपनी एग्रीकल्चर नीड को फुलफिल करने के लिए हजारों साल से येलो और यांगत्से रिवर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और जिस रैपिड ग्रोथ से चाइना की पॉपुलेशन बढ़ी है उसी वजह से चाइना को हमेशा से फ्रेश वाटर स्कैर्सिटी का डर सताता रहता है। 1950 में तिब्बत पर कब्जा करने की वजहों में से चाइना की एक सबसे बड़ी वजह फ्रेश वाटर स्कैर्सिटी भी थी। फ्रेश वाटर जैसे ज्योग्राफिकल सब्सटेंस के लिए चाइना ने तिब्बत में कई लोगों के सर धड़ से अलग कर दिए थे। यह तिब्बत का पठार यांगत्से रिवर, येलो रिवर, मेकोंग रिवर जैसे कई फ्रेश वाटर बॉडीज का ओरिजिनेटेड प्लेसेस भी है। जी हाँ, इंडिया में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान भी तिब्बत से ही है, जिसे वहाँ यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से तिब्बत को चाइना का वाटर टॉवर भी कहा जाता है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रशिया कैसे अपनी वेस्ट साइड में माउंटेन्स जैसी नेचुरल बैरियर के होने के बावजूद भी अपनी सिक्योरिटी के लिए यूक्रेन और क्रीमिया पर कब्जा करके बैठा है। ठीक उसी प्रकार से चाइना भी अपनी इसी वाटर स्कर्सिटी को पूरा करने के लिए तिब्बत पर कब्जा करके बैठा है, और इंडिया चाइना के टकराव का मुख्य कारण भी कहीं ना कहीं यही तिब्बत है, क्योंकि चाइना को हमेशा से डर था कि अगर चाइना से पहले तिब्बत पर इंडिया ने कब्जा कर लिया तो उसके सभी वाटर सोर्सेज इंडिया के पास चले जाएंगे। दूसरा, तिब्बत के पठारों की ऊंचाई का फायदा भी कहीं ना कहीं वॉर स्ट्रेटेजी में इंडिया को मिलेगा, इसलिए इससे पहले इंडिया तिब्बत पर कब्जा करे चाइना ने ही तिब्बत पर धावा बोल दिया। दोस्तों अब आप बोलेंगे कि सर इंडिया क्यों तिब्बत पर कब्जा करता, हम तो ऐसे नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडिया तिब्बत पर कभी कब्जा नहीं करता, बट तिब्बत का रुझान हमेशा से चाइना की बजाय इंडिया की ओर रहा है, और ये बात चाइना अच्छे से समझता था।
अगर चाइना तिब्बत पर कब्जा नहीं करता तो उस पर इंडिया का भारी इन्फ्लुएंस होता, जिससे चाइना के हित कहीं ना कहीं प्रभावित होते। तो देखा आपने, अगर यहाँ चाइना के पास प्रॉपर फ्रेश वाटर सोर्सेज होते तो शायद कभी चाइना तिब्बत को ऑक्यूपाई नहीं करता और ना ही कभी इंडिया चाइना की टसल शुरू होती। इट्स ऑल अबाउट ज्योग्राफी। दोस्तों, अब आपका एक ये भी सवाल होगा कि चलो ठीक है, चाइना ने इनसिक्योरिटी में आकर तिब्बत पर कब्जा कर लिया, बट ये अरुणाचल प्रदेश के पीछे क्यों पड़ा है? देखिए, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वही ज्योग्राफिकल फैक्टर्स काम करते हैं जो तिब्बत के सिनेरियो में थे। फर्स्ट, चाइना अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा इसलिए करना चाहता है क्योंकि यारलुंग सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी, जो खुद तिब्बत से निकलती है, उसका 60% वाटर वॉल्यूम अरुणाचल प्रदेश में ही आता है। उससे पहले पहाड़ी एरिया होने की वजह से पानी चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत रीजन में नहीं रुक पाता, जिससे चाइना को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये नदी चाइना के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि चाइना ऑलरेडी इस पर 8 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है। दूसरा फैक्टर जिसकी वजह से चाइना के लिए अरुणाचल प्रदेश का एरिया जरूरी हो जाता है, वो ये है कि ये हिस्सा चाइना के सबसे ज्यादा नजदीक है, जिसका इस्तेमाल इंडिया उसके खिलाफ कभी भी कर सकता है। और चाइना को ये डर जायज भी है क्योंकि हाल ही में इंडिया द्वारा विकसित की गई अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, अगर उसको अरुणाचल प्रदेश से फायर किया जाए तो ये मिसाइल मेनलैंड चाइना का हर हिस्सा नेस्त नाबूद करने की ताकत रखती है। और यही डर चाइना को सताया हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना चाहता है। अब देखते हैं कि वाटर जैसे सब्सटेंस के लिए इतना फसाद करने के अलावा वाटर से ही जुड़ी एक ऐसी चीज है जो चाइना की सरदर्दी बनी हुई है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2025-26 में यूपीएससी एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं, तो आने वाली 30 जनवरी को अनअकैडमी पर शुरू होने वाले हैं फाउंडेशन बैचेस, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। इतना ही नहीं, 31 जनवरी तक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिल रहा है 50% डिस्काउंट और 6 मंथ का एडिशनल बेनिफिट बाय यूजिंग कोड SGYT10। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जैसे फ्रेश वाटर चाइना की पॉपुलेशन के लिए जरूरी है, ठीक वैसे ही ऑयल और बाकी एनर्जी रिसोर्सेज भी जरूरी हैं, और ये काफी नेचुरल चीज है। आज इन चीजों के बिना ह्यूमन एग्जिस्टेंस भी इम्पॉसिबल है। आज चाइना जहां वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मटेरियल एक्सपोर्ट करता है, वहीं वो ऑयल और बाकी एनर्जी रिसोर्सेज को बड़ी मात्रा में इम्पोर्ट भी करता है। चूंकि मोस्टली ट्रेड सी रूट के थ्रू ही होता है, तो अगेन यहां ज्योग्राफी अपना प्रकोप दिखाई देती है। वो कैसे, देखिए, चाइना अपने ट्रेड का 70% ट्रेड मलाक्का स्ट्रेट के साथ करता है। ये रूट ईस्ट चाइना सी से साउथ चाइना सी को होते हुए मलाक्का स्ट्रेट को क्रॉस कर इंडियन ओशियन की तरफ चला जाता है, जहां आगे ये रूट अरेबियन सी तक पहुंच जाता है। अब चाइना के लिए एक प्रॉब्लम ये भी है कि इस रूट के शुरुआत में ही ईस्ट चाइना सी में 200 टिनी आइलैंड्स की एक फर्स्ट आइलैंड चेन आती है। इनमें से मोस्टली आइलैंड अमेरिका और अमेरिका एलाइड कंट्री के कंट्रोल में है, तो जब भी चाइना कुछ बदतमीजी करता है तो ये आइलैंड्स अपने थ्रू होने वाले ट्रेड को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे चाइना को बड़ा घाटा उठाना पड़ता है। दूसरा, अगर मानकर चलो कि इन आइलैंड चेन में से चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट आगे चलकर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का आता है। दोस्तों, मलाक्का स्ट्रेट एक ऐसा चोक पॉइंट है, अगर इसमें किसी भी तरीके का अवरोध पैदा हो जाए तो ये चाइना में ब्लैकआउट ला सकता है। अब आप बोलेंगे कैसे, दरअसल मलाक्का स्ट्रेट सुमात्रा और मलेशियन पेनिनसुला के बीच पड़ने वाला दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट्स में से एक है। यहां से वर्ल्ड का 40% ग्लोबल ट्रेड होता है, जिसमें ऑयल, नेचुरल गैस और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जैसे वाइटल कमोडिटीज होती हैं। ये इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ने का काम भी करता है। साथ ही चाइना का 90% इंपोर्ट भी इसी रूट से होता है। इंडिया के लिए खास बात यह है कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित हमारा नेवल बेस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए चाइना जब भी अरुणाचल प्रदेश या फिर लद्दाख में अपनी लीगल एक्टिविटीज करता है, तब वहाँ भले ही वो हिमालय की वजह से बच जाता है, बट उसे हमेशा ये डर रहता है कि कहीं इंडिया मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर चाइना का इंपोर्ट ही ना रोक दे। दोस्तों, एक तो ये रीजन, दूसरा फर्स्ट आइलैंड चेन की ब्लॉकेज का रीजन, इन दोनों रीजन की वजह से ही चाइना ने अपने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को मात देकर अपना खुद का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया है, ताकि सी रूट से वो अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सके। चाइना आज बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान में अपने नवल बेस तैयार कर रहा है, ताकि वो इन बेसिस को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ जोड़कर ट्रेड के लिए सेफ रूट तैयार कर सके। इसके अलावा एक खास बात और बताता हूँ मैं आपको, चाइना अपनी ज्योग्राफी का गुलाम अभी से नहीं, बल्कि ये दंश उसे दशकों से झेलना पड़ा है। पैसिफिक ओशियन, जहाँ चाइना को यूएसए से हिफाजत करता है, वही यही ओशियन चाइना के लिए कई बार काल बना है। वो कैसे, देखिए, चाइना के वेस्टर्न कोस्ट के पास एक ऐसा देश है जो चाइना को सरदर्दी देता रहता है। ये देश अमेरिका का एलाइड होने की वजह से चाइना की नींदें उड़ा कर रखता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जापान की, और ये आज से नहीं बल्कि सालों से चाइना को सरदर्दी देता आया है। दरअसल लंबी कोस्ट लाइन जहाँ कई देशों के लिए वरदान साबित होती है, वहीं यही लंबी कोस्ट लाइन चाइना के लिए अभिशाप भी बनी हुई है, क्योंकि पास्ट में जापान की तरफ से चाइना पर इसी कोस्ट लाइन के थ्रू
कई अटैक हुए हैं। लंबी कोस्ट लाइन होने की वजह से चाइना कभी अपनी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाया। इतना बड़ा होने के बाद भी कई युद्धों में उसे जापान से मुंह की खानी पड़ी। चाहे हम बात करें फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर या सेकंड सिनो जापानीज वॉर हो, चाहे बैटल ऑफ शंघाई हो, चाहे बैटल ऑफ वुहान हो या फिर फॉल ऑफ नानजिंग हो, तो इस तरह के युद्धों में चाइना की बेशर्मी भरी हार हुई और इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना की ये लंबी कोस्ट लाइन थी। तो देखा आपने कैसे लंबी कोस्ट लाइंस, लेस फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जैसे बेसिक से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ने चाइना के नेचर को कितना वायलेंट बना दिया है, उसे अपना प्रिजनर बना के रख दिया है। आज चाइना की सभी पॉलिसीज कहीं ना कहीं इसी ज्योग्राफी के अराउंड बनाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना जो आज वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नेवी फोर्स वाला देश है, वो हिस्टोरिकली नेवी में कभी उतना स्ट्रांग नहीं रहा। अपनी ब्रूटल पास्ट की वजह से चाइना को अपनी नेवी स्ट्रांग करनी पड़ी ताकि आने वाले समय में कोई देश उसकी कोस्ट लाइन से एंटर न कर सके। दोस्तों, चाइना की ज्योग्राफी एक अभिशाप है, ये तो आपने जान लिया, बट रशिया की तरह ये ज्योग्राफी चाइना को प्रोटेक्ट भी करती है। देखिए, चाइना का बॉर्डर 22,117 किलोमीटर लंबा है, जो लगभग 14 देशों से लगा है। अब जनरली अगर यहाँ कोई दूसरा देश होता तो निश्चित ही उसका सारा पैसा अपने बॉर्डर्स को हिफाजत या सिक्योर करने में चला जाता, बट यहाँ ज्योग्राफी चाइना के लिए ब्लेसिंग्स बन के भी सामने आई है। वो कैसे? तो आइए एक एक करके मैं आपको वो सभी फैक्टर्स बताता हूँ जिनकी वजह से चाइना को अपने मोस्टली बॉर्डर्स की चिंता में रहना नहीं पड़ता। सबसे पहले चाइना के नदन पार्ट की बात कर लेते हैं। चाइना के नदन पार्ट में मंगोलिया आता है। दोस्तों, ये वही रीजन है जहाँ 2096 माइल्स में फैला हुआ गोबी डेजर्ट है। लद्दाख की तरह गोबी डेजर्ट भी एक कोल्ड डेजर्ट है जहाँ दिन में भी तापमान माइनस में रहता है, इसलिए यह डेजर्ट चाइना के लिए एक नेचुरल बैरियर के रूप में काम करता है। हालांकि साइड के मैदानी इलाकों से प्राचीन काल में कई कबीले चाइनीज डायनेस्टीज पर अटैक कर दिया करते थे, बट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बनने के बाद चाइना नदन साइड से पूरे तरीके से टेंशन फ्री हो चुका है। इसके अलावा अगर चाइना मंगोलिया के पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि प्रेजेंट में चाइना को मंगोलिया से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से सेंट्रल एशियन कंट्रीज रिसोर्सेज के लिए रशिया पर निर्भर हैं, वहीं कहीं ना कहीं उसी प्रकार से मंगोलिया भी चाइनीज सप्लाई पर निर्भर रहता है, इसलिए नॉर्थ की तरफ से तो चाइना बिल्कुल ही सेफ है। वैसे चाइना के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बॉर्डर रशिया से भी लगता है, लेकिन रशिया चाइना के लिए कोई बड़ा थ्रेट नहीं है। जहां रशिया के इस साइबेरियन पार्ट में सिर्फ 7 मिलियन लोग रहते हैं, वहीं चाइना के ईस्टर्न पार्ट में 100 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, तो यहाँ पर रशिया कभी भूलकर भी चाइना पर अटैक नहीं करेगा। वैसे भी रशिया पर आए दिन यूरोपियन यूनियन और नाटो कंट्री से कई इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते रहते हैं, सो आज की डेट में चाइना से दोस्ती रखना रशिया की मजबूरी है। आज चाइना रशिया का मेजर ट्रेड पार्टनर है, इसलिए चाइना को रशिया से भी कोई थ्रेट नहीं है। दोस्तों, इसके बाद चाइना का बॉर्डर नॉर्थ कोरिया से लगता है। अगेन, जो हाल इंटरनेशनल फोरम पर रशिया का है उससे ज्यादा बुरा हाल नॉर्थ कोरिया का है। न्यूक्लियर कंट्री होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया का चाइना के अलावा कोई हमसाया नहीं है, इसलिए चाइना नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी चिंता मुक्त रहता है। चाइना का सदर्न पार्ट वियतनाम से लगता है। हालांकि दोनों कंट्रीज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करती है, बट सालों से दोनों देशों की आपस में नहीं बनती, इसलिए चाइना की कुछ मिलिट्री आपको वियतनाम बॉर्डर पर हमेशा मिलेगी। बट फिर भी छोटी कंट्री होने की वजह से चाइना वियतनाम को बहुत ही माइनर थ्रेट की तरह ट्रीट करता है। इवन अगर कुछ वॉर होगा भी तो चाइना आराम से डील कर लेगा। दोस्तों, वियतनाम के बाद चाइना के बॉर्डर लाओस के जंगलों से लगता है। ये जंगल अपने आप में इतने खतरनाक है कि इन्हें पार करना, इनमें से अपनी फोर्सेस टैंक्स निकालना खतरे से खाली नहीं है। ये जंगल आगे बर्मा तक जाते हुए हिमालय से मिल जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों, चाइना अपने नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट बॉर्डर को प्रोटेक्ट रखता है। चाइना की वेस्ट साइड की बात की जाए तो वेस्ट से इसके बॉर्डर ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान से लगता है। कजाकिस्तान को छोड़कर माउंटेन्स चाइना को बाकी देशों से नेचुरल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। वैसे भी इन देशों में इतना दम नहीं है जो चाइना से पंगा ले सके। रही बात कजाकिस्तान की, जो आगे अगेन मंगोलिया के बहुत नजदीक आ जाता है, यहाँ के प्लेन्स चाइना के लिए थ्रेट साबित हो सकते हैं। यूरोप की साइड से कोई भी फोर्सेस यहाँ से होते हुए चाइना पर अटैक कर सकता है, बट अगेन कमजोर कंट्री होने की वजह से कजाकिस्तान के चाइना के साथ अच्छे रिलेशन रहते हैं, इसलिए चाइना को यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। अब बचे चाइना के दो बड़े कट्टर दुश्मन, इंडिया और अमेरिका। दोस्तों, यहाँ हिमालय और तिब्बत के पठारों की वजह से चाइना को हमेशा सेफ्टी मिली है। ये चाइना के लिए नेचुरल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का काम करता है। इतनी ऊंचाई पर लड़ना किसी भी फोर्स के लिए बहुत मुश्किलों वाला काम है, इसलिए 1962 की वॉर को छोड़ दिया जाए तो जितने पंगे चाइना इंडिया के बीच होते हैं वो सिर्फ हिमालय की वजह से युद्ध तक नहीं बढ़ पाते। हिमालय ने ही दोनों देशों को सालों से एक दूसरे से टकराने से रोक रखा है और हमें कोई बड़ी जंग देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा चाइना को भगवान का शुक्रिया अदा भी करना चाहिए कि उसने उसके और अमेरिका के बीच में पैसिफिक ओशन को रख दिया, क्योंकि अगर चाइना का कोई लैंड बॉर्डर यूएसए से मिलता तो चाइना कब की मुंह का खा चुका होता। दोस्तों, तो देखा आपने
कैसे जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स चाइना को इतनी सारी बॉर्डर कंट्रीज से सिक्योर कर रहे हैं, वही ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यानी वाटर आइलैंड्स स्ट्रेट्स चाइना की इतनी बड़ी इनसिक्योरिटी का कारण भी बना हुआ है। और यही मैसेज टिम मार्शल ने अपनी बुक द प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी में दिया है। आज चाइना सुपर पावर होने के बाद भी अपनी ज्योग्राफी का प्रिजनर यानी कैदी बना हुआ है। इस वीडियो में हमने चाइना की जियोपॉलिटिक्स को ज्योग्राफी के लेंसेस से देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स को ज्योग्राफी के नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।